स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में भूमिका देना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल देखें तो पहले से कहीं ज़्यादा गुना हम खिलाड़ियों को जॉब दें। पार्टियां अपना नेता बदलती रहती हैं, जिस पे भरोसा ना हो तो वो बदलते रहे। आप जैसे मेरे जैसे जो आज खिलाड़ी नहीं है और कुछ नहीं कर रहे हैं और ग्राउंड में, ये बास्केटबॉल जूनियर चैम्पियनशिप थी और खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, देखा, काफ़ी अच्छा लगा। गर्ल्स के बास्केटबॉल के चैम्पियनशिप थी तो यहाँ पर आर के एस डी कॉलेज में स्पोर्ट्स के, यहाँ पहले भी आया हूँ मैं, दूसरी बार आया हूँ, तो जहाँ भी स्पोर्ट्स इंफ्रा होता है तो अच्छा लगता है कि वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में भूमिका देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दिन भर की भाग दौड़ में जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो हमारे जो बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है अगर हम उसको वर्जिश नहीं करते हैं। अगर हम प्रो अपने आप को अगर एक एथलीट के रूप में ऊपर लेकर आते हैं तो हमारा माइंड भी शार्प रहता है और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली तरीके से अगर आप किसी गेम में जुड़ जाते हो तो आप डबल बैटरी की तरह काम करते हो। बहुत से कदम है, अगर मैं गिनाने लगूँ तो मुझे लगता है कि एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। हमारी ग्रासरूट से लेकर प्रो तक के एथलीट को के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं। 1100 नर्सरियां हैं जिसमें से 501 हमने अभी खोली हैं, 450 की लिस्ट अभी एक निकाली है, 150 एक और लिस्ट आ रही है। तो इस प्रकार हमारी नर्सरियां हैं जिसमें ग्रासरूट के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देखिए 125 रुपये डाइट थी, आज 400 रुपये डाइट है। 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया 125 रुपये खिलाड़ी को डाइट देते थे, हम आज 400 रुपये दे रहे हैं। 8 जो हैं हॉस्टल जो हैं हमने खोले हैं, 12 जो डे बोर्डिंग के हैं, और एजुकेशन के साथ मिलकर हम मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल जो हमारे हैं उनके साथ मिलकर और हॉस्टल की सुविधा ला रहे हैं हम। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, कैश अवार्ड जो है सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड हम हरियाणा में दे रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट हो, चाहे वो ओलंपिक खेलने वाला खिलाड़ी हो, चाहे वो नेशनल मेडलिस्ट हो, चाहे वो कैसे भी तरह का खिलाड़ी हो। अगर हम बात करें जॉब्स की, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी भी है हमारे पास, जिसमें ए बी और सी ग्रेडेशन के रूप में हम जब मेडल लेकर आता है उनको देते हैं। अगर हम ओवरऑल स्पोर्ट्स कोटे की बात करें तो 10% डी ग्रुप के लिए और सी ग्रुप के लिए 3%। तो ओवरऑल देखें तो पहले से कहीं ज़्यादा गुना हम खिलाड़ियों को जॉब्स दे रहे हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल में बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में लेकर आएं, लेकिन उसके लिए हम उसको ट्यूशन रखते हैं, ट्यूटर रखते हैं, लेकिन वो चीज़ हम स्पोर्ट्स में क्यों नहीं। खेलने के लिए, खेलने के बाद पैसे देना हर कोई कर सकता है, लेकिन खेलने के लिए तैयारी की सबसे पहले पैसे देना वो हरियाणा सरकार कर रही है। फीस निर्धारित की थी आपने खिलाड़ियों की, वो खिलाड़ियों के लिए वापस भी ले लिया, खिलाड़ियों के लिए गलत निर्णय ले लिया गया था, खिलाड़ियों के लिए नहीं थी वो। आप जैसे मेरे जैसे जो आज खिलाड़ी नहीं है और कुछ नहीं कर रहे हैं और ग्राउंड में खेलने के वाले, जैसे ट्रैक है, अगर कोई खिलाड़ी ट्रैक पे जाएगा तो उस मेहनत करेगा, अगर आम आदमी ट्रैक पे जाएगा तो वो खिलाड़ी में बांधा डालेगा, उसके लिए क्या। कार बीजेपी की है, अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करती रहेगी। पार्टियां अपना नेता बदलती रहती हैं, जिस पे भरोसा ना हो तो वो बदलते रहते हैं।